मियाँ साहब वो सामने गाड़ी में बैठे आपका देख वो सामने गाड़ी में मियाँ साहब बैठे हुए हैं, बस एक मिनट आ रहे हैं। मीडिया आई हुई है, मीडिया का इंटरव्यू मियाँ साहब आ गए। छोटे भाई थोड़ा गोली हो जाए यार, मेरे जगह यार नहीं करो जगह दस्ता देते तो इधर ही हूँ, पीछे चला जाऊंगा इधर पिछे हो जाए चले जैसे मैडम कहती हैं वैसे जी सर आए इकबाल कुछ लड़कों को उन्होंने पुल से नीचे भी गिरा दिया, क्योंकि आपके पास छुट्टी मौजूद है, उसका सर उखाड़ दिया, गुंडागर्दी की, आपके वर्कर बाहर आ गए थे और वो पुलिस के साथ मार्टोन के वाकये की तरह बनाने की कोशिश की है। बेशर्मी की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है कि पूरा मैंने तजा हमारे पास है क्या, ये देखो खाली हाथ हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब और इनके पास हर चीज है। मियां साहब मरियम साहिबा कह रही हैं जनरल सेक्रेटरी के घर से असला निकला है, उसके बाद मरियम साहिबा कह रही हैं कि 20 लाख लोग लाने थे लाहौर से, बिल्कुल आवाम नहीं निकली, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए उनका पुराना वतीरा है, ये पुराने डाकू और चोर है, ये जिस तरह कह रहे असला निकला इसी तरह ये पहले भी कह रही थी कि ना तो मेरी इंग्लैंड में जायदाद है तो ना पाकिस्तान में जायदाद है, तो हर जगह से निकला ही ना। अब कहने का मकसद है ये इनका पुराना तरीका वारदात है, जनरल सेक्रेटरी के घर से असला निकला है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, हम पूरा मन तरीके से निकले हैं। जनरल सेक्रेटरी को तो आपने यहाँ पे पकड़ा है, अगर उसे पकड़ते तो उससे असला वहाँ पर भी निकलता और छोड़ के जाना था। और मियाँ साहब ये भी इत्तलात आ रही है कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में, और ये जो लॉन्ग मार्च है इसको जलसे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इस हवाले से आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए गुजारिश ये है, ये तो सिर्फ एक ही बात कि हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, वो जो भी मुज़ाकरात हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, अगर नहीं मिलती तो जलसा इंशाल्लाह फिर हम वहीं पे धरना देंगे। थैंक यू।